जापान अपनी कई सारी चीज़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर माना जाता है, जैसे जापानी सुमो रेसलिंग, जापानी टेक्नोलॉजी और जापानियों की शक्लें। शायद आप भी जापान को इन सब चीज़ों के लिए ही आज तक जानते होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि जापान एक चीज़ के लिए पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, और वो है वहाँ के टीवी प्रोग्राम्स यानी लाइव टीवी शोज़, जो काफ़ी वाहियात और अजीबोगरीब होते हैं, जिन्हें शायद ही आप कभी अपने देश में टीवी पर लाइव देखना पसंद करेंगे। पर हाँ, वहाँ की जनता इसे काफ़ी मज़े से देखती है और काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, यकीन नहीं होता ना आपको। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टीवी प्रोग्राम्स दिखाऊंगा जो जापान में खुलेआम दिखाए जाते हैं। लोग उन्हें काफ़ी देखना पसंद करते हैं, पर शायद ही इन्हें आप अपने देश के किसी टीवी चैनल पर लाइव देखना पसंद करेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हंटिंग फॉक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गेम नंबर 1, मेक हर नेकेड। इस गेम का नाम ही बता देता है कि इस गेम में क्या होने वाला है। एक महिला को बुने हुए कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है और उस कपड़े का एक धागा एक व्हील से जोड़ दिया जाता है। मर्दों को उस व्हील पर भागना होता है। जैसे जैसे व्हील घूमेगा, वैसे वैसे महिला के कपड़ों की बुनावट उतरती जाएगी और महिला निर्वस्त्र होती रहेगी। जो मर्द महिला के पूरे निर्वस्त्र होने तक व्हील पर टिका रहा, वही इसका विनर है। पर इस गेम में एक ट्विस्ट भी है कि अगर आप व्हील से गिर जाएं, तो आपको भारी चिकनाहट का सामना करते हुए फिर से व्हील पर आकर गेम के अंत तक यहाँ पर टिका रहना होता है। गेम नंबर 2, द स्लिपरी साइड्स। अब इस गेम के नियम काफ़ी आसान हैं। आपको चिकने कपड़े पहना दिए जाते हैं और आपको इन सीढ़ियों पर चढ़कर जो पक्षा रखा है वहाँ से खजाना उठाकर गेम को जीतना है ना सिंपल। पर इसमें कई सारे ट्विस्ट भी हैं, जैसे इन सीढ़ियों पर काफ़ी चिकनाहट होती है, जिससे आपको चढ़ने में और उतरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके सिवा अगर आप बड़ी मशक्क़त के बाद ऊपर चढ़ भी जाए, तो आपके प्रतिद्वंदी को पूरा अधिकार होता है आपको फिर से नीचे गिराने का। ये गेम काफ़ी हिंसक होता है और इसमें लोगों की हड्डियां भी टूट जाती हैं, तो ध्यान से खेलना। गेम नंबर 3, द चॉकलेट हंटिंग गेम। ये गेम जापान की सेलिब्रिटीज़ के साथ टीवी पर लाइव खेला जाता है। इसमें नियम बड़े आसान हैं। आपको सेलिब्रिटीज़ को बुलाना है और उन्हें अलग अलग चीज़ें चखानी हैं, और सेलिब्रिटीज़ को ये चककर बताना है कि ये चीज़ चॉकलेट से बनी है या असली है। जैसे किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, उसके मुंह में जूता ठूस दिया और उसे चाटकर ये बताना है या खाकर ये बताना है कि ये जूता असली है या चॉकलेट से बना है। इसमें होस्ट आपको कुछ भी खिला सकता है, चाहे वो जूता हो, कैलेंडर हो या डोर का हैंडल हो, आपको कुछ भी खिलाया जा सकता है और आपको बस चाट कर या अपने मुंह से उसका स्वाद लेकर ये बताना है कि ये चॉकलेट से बनी है या असली है। और कोई भी सेलिब्रिटी ये नहीं चाहेगा कि चॉकलेट का झांसा देकर उसे असली जूता खिला दिया जाए। गेम नंबर 4, द इंसेक्ट ब्लोइंग ट्यूब गेम। ये गेम जापान का सबसे वाहियात गेम है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें 2 अपोनेंट होते हैं। दोनों को एक दूसरे के अपोजिट में बिठाया जाता है और एक कांच की ट्यूब के सिरे दोनों के मुंह में दे दिए जाते हैं, और ट्यूब के बीच में होता है एक जिंदा कीड़ा। आपको जीतने के लिए आपकी सांस की मदद से उस कीड़े को अपने अपोनेंट के मुंह में घुसाना होता है। जीतने वाले को इनाम मिलता है और हारने वाले को एक जिंदा कीड़ा। 5वां और आखिरी खेल है द परफेक्ट शॉट गेम। अब इस गेम का नाम परफेक्ट शॉट क्यों है? क्योंकि इस गेम में जितने भी कंटेस्टेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, उन सबको एक लाइन से खड़ा करके उनके प्राइवेट एरियाज पर जोर से एक लोहे का सरिया मारा जाता है। प्रोटेक्शन के लिए आपके प्राइवेट एरियाज पर गार्ड तो लगे होते हैं, पर गार्ड आपको कब तक बचा पाएंगे? दर्द तो होना ही है। इसमें जो बंदा लास्ट तक टिका हुआ रहेगा, वही इस गेम का विजेता होता है। दोस्तों, ये थे जापान के 5 ऐसे खेल जो शायद ही आप अपने देश में लाइव टीवी पर देखना पसंद करेंगे। बाकी तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।